हरियाणा में विधानसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा में मौजूदा बीजेपी सरकार के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटकर हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के पास राज्य में 10 सालों के बाद सत्ता का सूखा खत्म करने का अवसर है। साथ ही दिल्ली के बाद पंजाब में रिकॉर्ड एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी करिश्मा करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि हरियाणा की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी अच्छा खासा दखल रहता है, इसीलिए जेजेपी और इनेलो भी अपना पूरा जोर लगाने में जुटी हुई है। सीएम नायब सिंह का कांग्रेस पर तंज। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ओर से कमान खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संभाल रखी है। एक के बाद एक रैली कर वो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का न सिर्फ हिसाब दे रहे हैं, बल्कि सत्ता विरोधी लहर को भी समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। करनाल के नीलोखेड़ी में जन आशीर्वाद रैली में सीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं कि अगर मैं पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों का विवरण देना शुरू कर दूं, तो मुझे लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो हमारा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हमने इस बात को समझना होगा। ये लोग प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये गुमराह करने के लिए निकले हैं। भाइयों, मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने 10 वर्ष का हिसाब बताना शुरू कर दिया, मुझे लगभग 10 घंटे 12 घंटे का समय चाहिए कि हमने क्या क्या काम हरियाणा के अंदर किए हैं। बिना रुके 10 घंटे भी मैं लगातार कामों के ऊपर बोल सकता हूं जो हमारी सरकार ने 10 वर्ष में काम किए हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला है, उस समय के मैं काम अगर आपको गिनवाऊं, तो भाइयों, इसकी स्थिति, हालत खराब हो जाएगी। इतने काम हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर किए। कुमारी शैलजा ने किया जीत का दावा। हरियाणा में बीते 10 सालों का सूखा खत्म करने की कोशिशों में लगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से फुल फॉर्म में नजर आ रही है। बीते विधानसभा चुनाव में भी कड़ा मुकाबला करने वाली कांग्रेस इस बार बड़ी ताकत के साथ सत्ता में आने के दावे कर रही है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति तक के बारे में सोचती है और गरीबों के लिए काम करती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा था 400 पार, लेकिन कहां नजर आई। समय आ गया है भाजपा की झूठ की राजनीति। 10 साल जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपी, केंद्र में थोपी, क्या कहते थे, 400 पार जाएंगे। कहां नजर आए, कहीं नजर आए 400। और आप संसद, आप देखते हैं संसद की कार्रवाई, आप देखते हैं, जब राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे देखने वाले होते हैं भाजपा के नेताओं के। उनको समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं या तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार खड़े हो जाते हैं, या उनके कोई मंत्री खड़े हो जाते हैं, या फिर कैमरा और माइक ऑफ कर देते हैं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, अंधेर नहीं होगी। साथियों, राहुल जी का ये पैगाम, ये संदेश, ये भाईचारे का, ये विकास का, ये लोगों का, जो आखिरी शख्स खड़ा है, हमारी बहन, हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, जो गरीब से गरीब है, गांव के मोहल्ले में है, एक कोने में, बस्तियों में रह रहा है, भाजपा उसकी पूछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीब को ऊपर उठाती है, गरीब की पूछ करती। आपने किया बीजेपी को बेदखल करने का दावा। वहीं हरियाणा में अपनी जमीन तलाश कर रही आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में कमर कस चुकी है। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के मुताबिक हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा,
आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है, आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद करके रखा। डरी हुई कायर सरकार ने, कायर तानाशाह ने हमारे ऊपर जो जुल्म नहीं करने चाहिए तो वो सभी जुल्म किए, परंतु आम आदमी पार्टी हर जुल्म को सह के भी इस तानाशाही सरकार को उखाड़ से फेंकने के लिए तैयार। कांग्रेस से गठबंधन पर आपकी प्रतिक्रिया। वहीं कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन के अटकलों पर आपने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के बयान पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, उनके इस कथन का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से हमारे हरियाणा के प्रभारी बातचीत करके सूचना अरविंद केजरीवाल को देंगे, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय। विधानसभा चुनाव 2019 का परिणाम। दरअसल हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है। यहाँ पिछला चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था, उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। एक सीट एचएलपी नेता गोपाल कांडा ने जीती और बाकी बची सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी इस चुनाव में बहुमत के आंकड़े से 6 सीट दूर रह गई, जिसके चलते उसने जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। इलेक्शन डेस्क, एनबी न्यूज़।